बाजार क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक मासूम बच्ची लहूलुहान हालत में झाड़ियों के पास मिली। घटना बीती रात की है जब खून से सनी हुई मासूम बच्ची को नाले के किनारे झाड़ियों में क्षेत्रीय लोगों ने देखा और तत्काल नजदीक के अस्पताल भी ले गए। बच्ची की जानकारी पुलिस को दे दी गई। बच्ची गोर बाजार क्षेत्र में रहती है जिसके माता पिता मजदूरी करते हैं। वो रोज की तरह बच्ची को घर पर छोड़कर काम पर गए हुए थे, लेकिन जब घर पहुंचे तो उनको बच्ची घर पर नहीं मिली, जिसके कुछ देर बाद बच्ची के अस्पताल में होने की खबर मिली। जहां अस्पताल पहुंचे माता पिता ने बच्ची से मुलाकात की। बच्ची ने बताया कि कोई नाबालिग उसको बहलाकर घर के बाहर लेकर गया था। उसके साथ किशोर ने मारपीट की और नाले के पास छोड़कर भाग गया। वहीं बच्ची के माता पिता और मौके पर पहुंचे धार्मिक संगठनों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म होने की बात कही है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी नाबालिग को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। कल विक्टोरिया अस्पताल से सूचना आई थी कि एक लड़की मारपीट से भर्ती हुई है। उस सूचना पे यहाँ से स्टाफ गया विक्टोरिया में जाकर उसका एमरजेंसी वगैरह करा। इसमें ऐसा शंका हो रही थी कि इस बच्ची के साथ कुछ मारपीट हुई है और उस कहीं उसके साथ सेक्सुअल असाल्ट न हुआ हो। इस उसमें संदेह पे उसका अग्रिम परीक्षण भी करवाया गया है और जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। बच्ची ने बताया कि उसे बाबू उसे एक लड़का उठा के ले गया था भीख गिराने के बहाने तो और कुछ गलत काम करने की कोशिश की। इसलिए हमने 376 363 323 506 धारा के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर लिया। विवेचना जारी है, हम बहुत सी गिरफ्तारी कर लेंगे।